दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से स्टेट की वैकेंसी कितनी है और वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं सिर्फ जर्नल की। आज हम बात करेंगे ओनली फॉर जर्नल की कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी हाईएस्ट है और कहाँ पे लो है और वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी आएगी वो आएगी 1,000 से लेकर 2,000 के बीच कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं और वहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं। वहीं जो नेक्स्ट हम बात करेंगे 2,000 से लेकर 3,000 के बीच कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं और ऐसी कौन से स्टेट्स हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे 4,000 प्लस ऐसी कौन सी स्टेट है यहाँ पे 4,000 प्लस वैकेंसी है। क्या आपको ये पता है कि 4,000 वैकेंसी कौन से स्टेट में है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ऐसी वीडियो आपने पहले ना कभी देखी होगी और ना ही देखोगी दोस्तों। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें जो 1,000 से लेकर 2,000 के बीच कौन सी स्टेट्स आ रही हैं। तो ये आ रही हैं लगभग सात स्टेट्स आ रही हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले बात की जाए आंध्र प्रदेश की, 1389 वैकेंसी है वहाँ पे, 2271 बच्चे हैं। नेक्स्ट गुजरात की बात की जाए 1488 और 3840 वहाँ पर कैंडिडेट्स हैं। कर्नाटका की बात की जाए तो 1415 कैंडिडेट वैकेंसी और 4293 कैंडिडेट्स। केरला की बात की जाए 1050 वैकेंसी और 2038 कैंडिडेट्स। भाई एमपी की बात की जाए 1600 वैकेंसी है और 5010 कैंडिडेट्स हैं। राजस्थान की बात की जाए तो 1573 4719 कैंडिडेट्स। तमिलनाडु 1711 4909 कैंडिडेट्स हैं। तो दोस्तों आप इसको खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है सिर्फ ये जर्नल की। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जर्नल मेल की आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं भाई, किसी के माइंड में डाउट ना रहेगी कौन सी स्टेट्स हैं। आज जर्नल की हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम नक्सल की चले जाएंगे, उसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपकी बॉर्डर की आ जाएगी। तो आप राजस्थान की ऐसे देख रहे हो 1573 47 यानी लगभग 3.1 गुना आप मान के चलो। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनका डीएमई हो, जो डीएमई के लिए क्वालिफाई हुए थे रिटर्न और फिजिकल पास करके, जो डीएमई में गए थे बच्चे ये इतने थे। यहाँ से आपको पता है कुछ बच्चे पास हुएंगे, कुछ को रिजेक्टेड मिला, रिजेक्शन लेटर मिला होगा, तो कुछ आर्मी में पास होंगे, कुछ आर्मी में रिजेक्टेड होंगे। तो ये लगभग 3 गुना वैकेंसी के रिलेटेड बच्चे हैं। आप सभी को पता है डीएमई में कितने आए थे। तो जैसे आप मान के चलो केरला की आप बात करो तो वहाँ पर 2 गुना बच्चे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ का जर्नल का कट ऑफ क्या, जर्नल के अंदर जो जर्नल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कट ऑफ इंक्रीज है चांसेस होने के? भाई कोई चांसेस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा आधा पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से खुद आइडिया लगा सकते हो यार, आप कट ऑफ के काफ़ी वीडियोस देखते हो, आपके डाउट्स रहते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट ऐसे बात करें 2000 से लेकर 3000 के बीच कौन सी स्टेट है। तो सबसे पहले स्टेट आती है बिहार की, 2517 वैकेंसी है, 3046 वहाँ के कैंडिडेट्स हैं। असम की बात करें 2731 8193 कैंडिडेट्स हैं। असम का अगर आपने कट ऑफ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके आराम से चेक कर सकते हो उसका कट ऑफ। महाराष्ट्र का मैं वहां पे लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना। बिहार सेम, तीनों का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना इसका फाइनल कट ऑफ, मैंने वहाँ पर वीडियो डाली हुई है। तो भाई महाराष्ट्र की आप बात करें 4667 और 7357 है। वेस्ट बंगाल 2121 6364। तो यहाँ से हम मान के चलेंगे 3 गुना लगभग हर एक एरिया में आपको देखने को मिल रहे हैं कि हर स्टेट के लिए हुए हैं। ये मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये जर्नल का है भाई, जर्नल डिस्ट्रिक्ट का, जबकि अभी इनका डीएमई होना था हो चुका है, अभी आरएमई भी आपको पता चल रहा है। तो अभी कहाँ कितने बच्चे पहुँचेंगे तो वो तो अभी बाद में पता चलेगा, जब तक इसका आरएमई कम्प्लीट नहीं हो जाता। तो अभी आरएमई एक प्रोसेस में है, अभी लगभग आज कितनी तारीख है, 28 तारीख है, तो ये 28 तारीख लगभग मान के चलो 14 दिन हुए पी आर ई में चलते हुए, तो बाद में पता चलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मैंने आपको बोला था 4000 प्लस ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी वैकेंसी है, तो भाई बहुत सरप्राइज खुलने वाला है, ऐसी कौन सी स्टेट और वहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं। तो चलिए, वो स्टेट है यूपी की। यूपी स्टेट की 4503 वैकेंसी है और वहाँ पे कैंडिडेट्स लिए हुए हैं 13662 लगभग। आप मान के चलो कि
270 के बीच लिए हैं, दो इतने कैंडिडेट लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिए हुए हैं। तो दोस्तों वैकेंसी भी काफ़ी है, लेकिन यूपी में आपको पता है अदर भर्ती स्टेट की काफ़ी चली हैं, तो वहाँ पे भी कटअप का इस बार कोई क्लियर नहीं कह सकता कि कितना बढ़ेगा। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो 2 नंबर मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपकी कोई भी डाउट्स कट ऑफ के रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेट रिप्लाई दूंगा। जी मेरी वादा आपसे, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।